नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। बड़े मारे जोड़े एंट्री मांगे भाई, एंट्री मांगी गाड़ी मैं गया चौकी पर ले जाओ, एंट्री ना मिले तो मैंने चौकी पर मैं कीधु हूं जवा दे, हूं जवा दऊं छू गाड़ी, बराबर तुम उतरी जाओ, हूं गाड़ी जवा दऊं छू। साहब वीडियो डिलीट मार दो, एमएम थोड़ी जवा दे। हमारे एक दर्शक हैं जो ड्राइवर भी हैं, अहमदाबाद गुजरात से, जिनको ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा मेमको से बापू नगर जाने वाली रोड गुजरात पर एंट्री के लिए 25 अगस्त को रोका गया और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने को बोला गया। ड्राइवर ने उनको बोला कि उनकी गाड़ी में कोई कमी नहीं है, चाहे तो थाने ले चलिए, लेकिन वसूली नहीं दूंगा, और वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो बनता देख ट्रैफिक पुलिस कर्मी घबरा गया और इनके कैबिन में जबरन बैठ गया और वीडियो डिलीट करने का आग्रह करता रहा, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। वो भी इस जिद पर अड़ गया कि वो वसूली नहीं देगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ये बार बार आग्रह करता रहा कि वीडियो डिलीट कर दो, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर इनको इतना डर ही है तो ये अवैध वसूली करते ही क्यों हैं? चंदन कुमार हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिन्होंने समेरी टोल प्लाजा उत्तर प्रदेश की 26 अगस्त की यह घटना रिकॉर्ड करके हमें भेजी है। गाड़ी क्या कर रहे यहाँ पर टोल वालों का फास्टैग स्कैनर काम नहीं कर रहा था, जबकि पीछे एक टोल से फास्टैग कटवा कर ड्राइवर आया था। यहाँ पर बहस फास्टैग को साफ करने को लेकर चल रही थी, जिसको लेकर आपने कर्मी का व्यवहार देखा। गाड़ी से निकाला जीवित सांप। देवाराम है बाड़मेर राजस्थान से, जिनकी गाड़ी में से ये सांप निकला। 22 अगस्त की ये घटना है। देवाराम नागौर राजस्थान में कोयला लोड करने गए थे, वहां पर एक होटल पर रुके। जब सुबह उठकर गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने देखा कि उसमें सांप है। फिर पास के ही किसी गांव से सांप निकालने वाले माहिर को बुलाया गया और सांप निकलवाया। दुर्घटना किसी भी तरह की हो सकती है, जो जान पर हावी हो सकती है, इसलिए सफर के दौरान कहीं भी रुके तो सतर्क रहें। छह मोबाइल घुमा गाड़ी में से छह के टूट भी देखे जाए। एक चेक कर ना, मेरा बैग ऊपर रखा था। काय का तो दोस्तों, यार यो काय करियो, काय कर दियो, तो जो कितना माई दादो जवाब कर दो, बढ़िया पैसा लगे था। 5000 फोन से फोन लगे था यार। चीते कहां जा रहा मैं यार, यहीं जा यार, चीते के बंद हो रहा यार। कमलेश कुमार जो रहने वाले हैं कोटा राजस्थान के, ये वीडियो उन्होंने हमें भेजा है, मुहाना मंडी जयपुर राजस्थान का। यहाँ पर चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। ड्राइवर ने बताया कि चोर साइड ग्लास तोड़कर मोबाइल निकालने की फिराक में था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि इस एरिया में चोरी आम बात है, जबकि मंडी में ही एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है। बहुत बार ऐसे चोरों को पकड़ा भी गया है, लेकिन फिर भी चोरियां नहीं थम रही। गाड़ी वाले ऐसी हरकत से बहुत परेशान हैं। ऑलरेडी फास्टैग चल रहा है सब जगह, नहीं चल रहा है तो छोड़ो गाड़ी, इसमें हम लोग का कोई मतलब नहीं है। मशीन लगाओ या फास्टैग लगाओ, नहीं जानता तो हम लोग जा रहे, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकता, ऐसे भी लगेगा। फास्टैग में पैसा कट सकता है, कटो नहीं तो सब ऐसे जाएगा गाड़ी। फास्टैग में पैसा नहीं है, मशीन नहीं है, कुछ नहीं कर सकता हम लोग। पच्चीस अगस्त की ये घटना है, फुलबाड़ी बाईपास पर पड़ते टोल प्लाजा की, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर NHAI के रूल के मुताबिक ड्राइवर ने टोल कर्मियों को बोला कि वो नियम के मुताबिक कैश से पैसे नहीं कटवाएंगे, जबकि NHAI के सभी टोल पर फास्टैग अनिवार्य है, और ड्राइवर ये बात करते हुए वहां से निकल गया बिना पैसे दिए हुए। खाली है गाड़ी, फिर भी वसूली मांगना है जारी।
कहां की घटना है बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ये देखो खाली गाड़ी है, उसके बाद भी हमको बार बार परेशान कर रहे हैं, उसके बाद परेशान कर रहे हैं बार बार। हर चक्कर हो गए तुम्हारी, हर चक्कर समझ गए, हर चक्कर तेरी नाटकबाजी कर रहे हैं। गाड़ी खाली है, उसके बाद भी तुम लोग कर रहे हो। वजन दिखा रहे, गाड़ी में वजन है, समझ गए, वजन दिखा रहे। गाड़ी खाली का, खाली गाड़ी का बिल्टी रहता क्या? बिल्टी था खाली गाड़ी, कोई बिल्टी बनता है क्या? क्यों क्यों दिखाओ, बताओ कितने बार दिखाओ मैं तुमको। हर चक्कर हो गए, हर चक्कर नाटकबाजी कर रहे हो, हर चक्कर नाटकबाजी निकल रहे हो, समझ गए। अरे ना मैं 2 मिनट रुक जाओ, ट्रांसपोर्ट भी उठा रहा हूँ, हर चक्कर का नाटक है, क्या चक्कर है? ये घटना है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ इंटरस्टेट बॉर्डर की 26 अगस्त की। कृष्ण कुमार है रायपुर छत्तीसगढ़ से, जिन्हें इस चेक पोस्ट पर रुकवाया गया। उन्होंने बताया कि बॉर्डर क्रॉस करते कांटे पर से मालूम हो जाता है कि गाड़ी खाली है, और उनकी गाड़ी खाली भी थी, फिर भी गाड़ी की तलाशी करवाने के बाद भी 200 रुपए की वसूली मांगी जा रही थी, जिसको लेकर ये हंगामा हुआ। ड्राइवर ने बताया कि वो यहां से रोजाना गुजरते हैं, इस चेक पोस्ट पर इसी तरह परेशान किया जाता है। ये डाला रूपी अभिशाप ड्राइवर की जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। राम राम जी, टाटा स्टील से लेकर आए थे तो डाल ले के मांग रहे हैं कांटे के भी पैसे बताओ। कांटे के? हाँ। कांटे के टाइम वाला दिन दे आरे दे रहे कांटे के पैसे कहीं भी नहीं लगते हैं जी। हमारे साथ आज पहली बार टाटा से दिखी थी 20 गाड़ियाँ आ गई, तुम पहले ट्रैवल करते हो। जब एक बार तो मैं पहला, उनसे कोई भी पहला। हाँ। जबरदस्ती लोग पहुंच नहीं देंगे, गाड़ी को रोकेंगे तो क्या करेगा। ड्राइवर है परमवीर राणा, दिल्ली के रहने वाले हैं। 25 अगस्त की घटना है, रोहतक हरियाणा से मंडी गोविंदगढ़ पंजाब स्क्रैप लोड करके एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी गए थे। वहां पर इनका माल तो अनलोड कर दिया गया, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकलने दी गई कंपनी से, जिसकी वजह ये रही कि इनसे डाला मांगा गया 800 रुपए। ऑफिस में बात की तो आपने देखा साफ साफ मना कर दिया गया, ये कहा गया कि डाला तो लगेगा, जबकि पूरे देश में जिसका माल उसका हमाल की मुहिम छिड़ी हुई है। आखिर इनको दिक्कत क्या है, डाला क्यों ले रहे हैं? ये खबर है गुरदासपुर में पड़ते बटाला से। यहाँ पर छोटा हाथी वाहन चालक पिछले कुछ दिनों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसकी वजह मोटरसाइकिल के साथ रेड़ी जोड़कर माल ढोना बताया जा रहा है। देखो जी, जे एक मोटरसाइकिल से 3 सवारियां बैठ जान तो उदा चलान है, अगर उसे मोटरसाइकिल वड के रेड़ी ना ला के 20-20 क्विंटल उत्ते वजन लद्या जाए, फिर कोई चलान नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं रोकता। तो भाई आ इनिया महंगिया इनिया रकम ला के इन्होंने गड्डिया पाइया, जिन्हें इंश्योरेंस भी कराते, पोल्यूशन भी कटाते, किस्तां भी तारनी, अपना परिवार भी इन्होंने पालना ने, ये एक हफ्ते तो वेले बैठे सारे, पर रेहड़िया वाले धड़ाधड़ फेरे ला रहे हैं। प्रशासन को हाथ जोड़ के बेनती है भी इस मसले वाल ख्याल किया जाए। हीरा सिंह बटाला है जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजी है, जिन्होंने बताया कि वो सभी लोग अपनी इस परेशानी को लेकर इकट्ठे होकर SSP के सामने पेश होंगे। अब देखते हैं इनका ये मसला हल होता है कि नहीं। राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक बेहद मर्मस्पर्शी खबर सामने आई है, जहां पर 6 लेन बनाए जाने को लेकर NHAI ने भूमि पर अधिग्रहण करने के लिए प्रशासन अधिकारियों समेत पुलिस बल के माध्यम से तैयार फसलों पर बुलडोजर फेर दिया। आपको बता दें कि यहां पर 6 लेन हाईवे बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया। बुलडोजर और JCB मशीनें लेकर प्रशासन के अधिकारी पुलिस बल समेत घटनास्थल पर कब्जा करने पहुंचे तो आसपास के ग्रामीण जिनके खेत थे सभी वहां पहुंच गए। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले 6 लेन हाईवे के लिए अवाप्त की गई कृषि भूमि का बाजार भाव से मुआवजा देने की मांग को लेकर किसानों का लगभग 2 वर्षों से यहां पर आंदोलन चल रहा है। राजस्थान से भेजी गई ये वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं एक बोलेरो पिकअप जिस पर DJ फिट किया हुआ है, देखिए क्या कलाकारी की गई है।
रिमोट कंट्रोल से चलने वाला इसमें एक डीजे फिट किया गया है एकदम असली की तरह, जिसमें म्यूजिक भी बजता है। दोस्तों ऐसे शौक से की गई कलाकारी आपने बड़ी गाड़ियों पर बहुत बार देखी होगी, उसी तरह का ये एक छोटा नमूना तैयार किया गया है, पर जो भी हो बेहद आकर्षक कलाकारी है। आप देख रहे थे जीटी रोड 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में दो एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।